हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शिक्षा शास्त्र विषय के साथ सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग बीए प्रथम सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र विषय का टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज का हम लोगों का अगला टॉपिक है शिक्षा की प्रकृति। क्या है? शिक्षा की प्रकृति, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसके पूर्व के क्लास में हम लोगों ने शिक्षा का अर्थ और अर्थ के अंतर्गत शाब्दिक अर्थ और संकुचित और व्यापक अर्थ दोनों को समझा। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को भी जाना। ठीक है, और इसी क्रम में आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वह है शिक्षा की प्रकृति। ठीक है, प्रकृति के बारे में, प्रकृति का तात्पर्य किससे है? तो प्रकृति का तात्पर्य व्यक्ति के नेचर से है। किससे है? नेचर से है। उसी तरह से हम किसकी प्रकृति पढ़ रहे हैं? शिक्षा की प्रकृति पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा का भी क्या हो है? अपना एक नेचर है। क्या है? अपना एक नेचर है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है शिक्षा क्या है, तो शिक्षा एक सीखने सिखाने की क्या है? प्रक्रिया है ना? शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया, ठीक है, वही क्या है? शिक्षा का नेचर है। यानी कि शिक्षा जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के रूप में है, या हम किस पे प्रयोग करते हैं? तो एक बालक पे करते हैं। किस पे प्रयोग करते हैं इसका? तो हम एक बालक पे करते हैं। यानी कि किसे सिखाते हैं? तो एक बालक को सिखाते हैं। तो बालक को हम सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा के माध्यम से बालक जब कोई ना कोई तथ्य सीखेगा, जानेगा, तो उसके जो व्यवहार होंगे उस व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन आएगा। क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा की प्रकृति के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों में क्या किया जाता है? परिवर्तन लाया जाता है ना? या हम कह सकते हैं कि शिक्षा की जो प्रकृति है, इस प्रकृति के अंतर्गत जो भी बालक है, जो सीखने वाला है, जिसका सर्वांगीण विकास करना है, उसके व्यवहार में हम क्या करते हैं? परिवर्तन लाते हैं, है ना? जो भी बालक है ये क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? सामाजिक प्राणी है। और समाज में रहने वाला जब यह एक प्राणी है, तो समाज के अनुकूल इसके व्यवहार को विकसित करना है, तभी जा के इसके व्यवहार में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। यानी कि जब ये बालक जन्म लेता है, तो जन्म के समय यह क्या होता है? एक अजैविक प्राणी होता है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी नॉलेज या ज्ञान नहीं होता है, जो शिक्षा के माध्यम से ही इसके अंदर ये चीजें विकसित की जाती है। और उस नॉलेज के आधार पर ही क्या होता है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। अतः शिक्षा की प्रकृति के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। जब भी शिक्षा के द्वारा कोई भी तथ्य या वस्तु का बालक ज्ञान प्राप्त करता है, तो उस तथ्य या वस्तु के आधार पर वह अपने व्यवहार में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर लाता है, जिसके माध्यम से वह बालक उस तथ्य या वस्तु के आधार पर अपने व्यवहार व्यक्त करने लगता है। ठीक है, अतः एक लाइन में हम समझें तो शिक्षा की प्रकृति के माध्यम से क्या किया जाता है, या शिक्षा की प्रकृति ही क्या है? तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना। यानी कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने का जो आधार है वह क्या है? शिक्षा है। और शिक्षा का यही क्या है? नेचर है। यही क्या है? प्रकृति है। जिससे प्रत्येक बालक को एक सामाजिक प्राणी के रूप में क्या किया जाता है? विकसित किया जाता है ना? कोई भी बालक, किसी भी बालक के अंदर का किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं होता है ना? लेकिन शिक्षा के माध्यम से बालक को उसके परिवेश के अनुकूल हर प्रकार के कौशल, हर प्रकार के ज्ञान, हर प्रकार के व्यवहार क्या किए जाते हैं? विकसित किए जाते हैं। यही क्या कहलाती है? शिक्षा की प्रकृति कहलाती है। अब क्या है कि बालक को क्या करना है? विद्यालय में किसी निर्धारित पाठ्य वस्तु का अध्ययन कराना है, तो पाठ्य वस्तु के माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाएगा। बालक को समाज में स्थापित करना है, तो समाज की जो भी योग्यता है, जो भी हम कह सकते हैं कि क्वालिटी है, उन क्वालिटी के अनुरूप उसके व्यवहार में क्या करना होगा? परिवर्तन लाना होगा। अतः शिक्षा बालक के हर वातावरण में,
उस वातावरण के अनुरूप बालक का क्या विकास करने में अपना योगदान देती है, अपनी सहायता देती है। अतः बालक के प्रत्येक इन्वायरमेंट के अनुरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने का कार्य किसका है, तो शिक्षा का है। अतः शिक्षा के माध्यम से बालक के व्यवहार में क्या किया जाता है, परिवर्तन लाया जाता है, यही क्या है, शिक्षा की प्रकृति है। समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसी के अंतर्गत हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। शिक्षा का क्षेत्र क्या है, शिक्षा का क्षेत्र यानी कि शिक्षा किन किन क्षेत्रों पे अपना प्रभाव डालता है या किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है, या शिक्षा के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। यानी कि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों को हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला जो क्षेत्र है वह क्या है, सबसे जो पहला क्षेत्र है वह शिक्षा का इतिहास। क्या है, शिक्षा का इतिहास। इतिहास का मतलब आप लोगों को पता ही है, यानी कि पूर्व में जो भी घटनाएं घटित हुई होती हैं, ठीक है, उसे हम किस रूप में जानते हैं, तो इतिहास के रूप में जानते हैं। लेकिन यहाँ पे किसके इतिहास की बात की जा रही है, किसके विषय क्षेत्र के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो शिक्षा के विषय क्षेत्र के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि ये बात किसकी की जा रही है, तो शिक्षा के इतिहास की बात की जा रही है। यानी कि शिक्षा से संबंधित पूर्व में जो भी घटित घटनाएं हैं या जो भी व्यवस्थाएं हैं या जो भी योजनाएं हैं जो पूर्व में लागू थी, जिनके माध्यम से पूर्व का समय व्यतीत हुआ है, उन सभी चीजों का हम जानकारी, सभी प्रकार के तथ्यों की जानकारी हम किस विषय क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो शिक्षा के इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे अभी आपने पिछला टॉपिक पढ़ा है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, ठीक है, ये पढ़ा। आपने यह भी पढ़ा कि हमारे देश पे मुगलों का शासनकाल था, उस समय पे मध्यकाल में शिक्षा की कैसी स्थिति थी, है ना। यह भी हम किसके माध्यम से पढ़ेंगे, तो शिक्षा के इतिहास के माध्यम से पढ़ेंगे। हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था, यानी कि ब्रिटिश काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था, इन सभी चीजों को हम किसके माध्यम से जान सकते हैं, तो शिक्षा के इतिहास के माध्यम से जान सकते हैं। समझ में आया, यानी कि जो भी चीजें पूर्व में घटित हुई हैं शिक्षा से संबंधित, शिक्षा व्यवस्था से संबंधित, शिक्षा में जो भी परिवर्तन हुए हैं, शिक्षा में जो भी नवाचार लागू किए गए हैं, जो भी शोध कार्य किए गए हैं, ठीक है, लेकिन किसकी बात की जा रही है, पूर्व की बात की जा रही है, यानी इतिहास की बात की जा रही है, तो वह हम किसके अंतर्गत जानेंगे, तो शिक्षा के इतिहास विषय क्षेत्र के अंतर्गत जानेंगे। समझ में आया, यानी कि शिक्षा के बारे में हमें जो भी अध्ययन करना होगा, अगर जो शिक्षा के प्राचीन चीजों के बारे में अगर जो हमें जानना होगा, शिक्षा से संबंधित किस किस प्रकार के कब कैसे विकास हुए हैं शिक्षा के, इनको जानना होगा, तो हम शिक्षा के इतिहास विषय क्षेत्र के अंतर्गत जानेंगे, है ना। दूसरा हमारा टॉपिक है या दूसरा विषय क्षेत्र है शिक्षा दर्शन। क्या है, शिक्षा दर्शन। दर्शन को आप लोग अंग्रेजी में क्या कहते हो, फिलॉसफी कहते हो। क्या कहते हो, फिलॉसफी, है ना। अब फिलॉसफी का तात्पर्य किससे है, यहाँ पे इसका दर्शन का तात्पर्य विचारधारा से है। किससे है, विचारधारा से। यानी कि शिक्षा से संबंधित किन किन लोगों ने किन किन कालों में किन किन रूपों में अपना विचार दिया है, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान का तात्पर्य पर उस समय के वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो भी विचारक हैं, जैसे आप लोग पाश्चात्य के अंतर्गत पढ़ोगे तो प्लेटो हैं, सुकरात हैं, अरस्तु हैं, ठीक है, डेकार्टे हैं, उसी के अंतर्गत आप लोग रूसो को भी जानते हो, जॉन डीवी को भी जानते हो, हर्बर्ट स्पेंसर को भी जानते हो, और जो भारतीय दर्शक का हम नाम लें तो भारतीय दर्शक के अंतर्गत महात्मा गांधी जी हैं, अरविंद घोष हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, इन सभी ने शिक्षा से संबंधित अपने अपने क्या किए हैं, विचार व्यक्त किए हैं। अब इन विचारों का अध्ययन करने का जो शिक्षा का विषय क्षेत्र है, उस शिक्षा के विषय क्षेत्र को हम किस रूप में जानते हैं, तो शिक्षा दर्शन के रूप में जानते हैं। यानी कि शिक्षा से संबंधित जो भी विख्यात विचारक हैं, जो भी प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं या दार्शनिक हैं, जिन्होंने शिक्षा में जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए वर्तमान समाज के अनुरूप
लोगों को व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जिस जिस रूपों में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन सभी विचारों का अध्ययन करने का जो विषय क्षेत्र है वो क्या है? शिक्षा दर्शन है। क्या है? शिक्षा दर्शन है। समझ में आया आप लोगों को? ये आपका दूसरा विषय क्षेत्र था, ठीक है। उसी तरह से अगला हम विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, वह क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा आपने पहले ही जान चुका है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का तात्पर्य किससे है? व्यवहार के अध्ययन से है। किससे है? व्यवहार का अध्ययन। किससे है? व्यवहार का अध्ययन। यानी कि जो भी बालक है उस बालक के व्यवहारों का अध्ययन करने का जो विज्ञान है, उस विज्ञान को हम किस रूप में जानते हैं? तो मनोविज्ञान के रूप में जानते हैं। यानी कि कौन बालक कैसा है, किस बालक को किस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, किस बालक के लिए कौन से इन्वायरमेंट होने चाहिए, किस बालक के लिए कौन सी शिक्षण विधियां होनी चाहिए, बालक किन रूपों में सीखेगा, किस अवस्था में बालक के कैसे व्यवहार होते हैं, और उस व्यवहार के अनुरूप बालक के लिए क्या करना है, हमें शिक्षा से संबंधित वातावरण का निर्माण करना है। यह सभी चीजें हम शिक्षा के जिस विषय क्षेत्र के अंतर्गत जानते हैं वह क्या कहलाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान भी शिक्षा का एक शाखा है, एक विषय क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत बालक के जो भी शैक्षिक परिस्थितियों के अंतर्गत होने वाली समस्या होती है, उन समस्याओं के बारे में हम जानते हैं, और उन समस्याओं के समाधान के लिए हम क्या करते हैं? नई नई तथ्यों का खोज करते हैं, जिसके माध्यम से उस बालक की समस्या का समाधान किया जाता है। समझ में आया? यानी कि बालक के व्यवहारों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिसके तहत उस बालक के शैक्षिक परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्याओं का समाधान हम मनोविज्ञान के विभिन्न, हम कह सकते हैं कि कौशलों के तहत उनका समाधान करते हैं। समझ में आया अभी? इसके बाद आप लोगों का जो विषय क्षेत्र है वह शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। आपको पता है कि अगर जो एक बालक को किसी भी प्रकार की पाठ्य वस्तु का अध्ययन हमें कराना है, तो पाठ्यवस्तु का अध्ययन कराने के लिए हमें क्या करना होगा? उसे किसी न किसी संस्था से जोड़ना होगा। जब वह संस्था में प्रवेश लेगा तो उस संस्था का प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिस विषय क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं या जिस विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम उन चीजों को जानते हैं, उस विषय क्षेत्र को हम शैक्षिक प्रशासन के रूप में जानते हैं। यानी कि एक संस्था को व्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्थित के साथ साथ उसको बेहतर रूप से चलाने के लिए, उनमें विभिन्न प्रकार की जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जो शिक्षा का क्या होता है, एक विषय क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाता है, या हम कह सकते हैं कि एक शाखा के रूप में देखा जाता है, जिसके तहत इत्यादि प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाए। समझ में आया होगा ये भी? उसके बाद से अगला है शैक्षिक समाजशास्त्र। क्या है? शैक्षिक समाजशास्त्र। एक आप लोग विषय पढ़ते हैं समाजशास्त्र, ठीक है, और ये क्या है? शैक्षिक समाजशास्त्र। जो समाजशास्त्र है वह अपने आप में एक अलग बृहत विषय है, जबकि जो शैक्षिक समाजशास्त्र है वह शिक्षा का ही क्या है? एक शाखा है। यानी कि समाज का जो व्यवस्थित अध्ययन करने का विषय है उसे हम समाजशास्त्र के रूप में जानते हैं, जबकि शिक्षा में समाजशास्त्र की जो उपयोगिता है, शिक्षा में समाजशास्त्र की जो वैल्यूएशन है, जो इसके मूल्य है, इन सभी तथ्यों के बारे में जानकारी के लिए हम शैक्षिक समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं, जो शिक्षा का ही एक विषय क्षेत्र या शाखा के रूप में जानी जाती है। समझ में आया आप लोगों को? उसी के साथ साथ अगला जो विषय क्षेत्र है वह है शैक्षिक समस्याएं। क्या है? शैक्षिक समस्याएं। शैक्षिक का तात्पर्य किससे? सीखने सिखाने के जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, ठीक है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को घटित करने वाले जो भी इन्वायरमेंट है, ठीक है, इस परिस्थिति को हम किस रूप में जानते हैं? तो शैक्षिक के रूप में जानते हैं, है ना। तो उस सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, तो उन समस्याओं की जानकारी के लिए, उस समस्याओं के समाधान के लिए
उन समस्या के उत्पन्न कारणों को जानने के लिए हम जिस शिक्षा के शाखा का अध्ययन करते हैं उसे हम शैक्षिक समस्याएं के रूप में जानते हैं। यानी कि शैक्षिक समस्याओं के अंतर्गत हम शिक्षा में उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जानते हैं और इन समस्याओं से समाधान संबंधी जो भी निराकरण होते हैं इनका हम क्या करते हैं, इसी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। समझ में आया? इसी के अंतर्गत हम लोग आगे देखेंगे अगला जो शाखा के रूप में है वह क्या है, तुलनात्मक शिक्षा। क्या है? तुलनात्मक शिक्षा। तुलनात्मक शिक्षा का तात्पर्य किससे है, तो जो भी शिक्षा व्यवस्था है इन सभी शिक्षा व्यवस्थाओं को समय, परिस्थिति, काल, समाज की आवश्यकता, समाज की स्थितियां, स्थितियों के अंतर्गत राजनैतिक स्थितियां, सामाजिक स्थितियां, आर्थिक स्थितियां, इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक काल के जो भी शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा के स्वरूप है, शिक्षा के उद्देश्य हैं, हम उन सब का क्या करते हैं, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। और साथ ही साथ जो भी उन शिक्षा व्यवस्था में विशेषता के रूप में हमें प्राप्त होती है उनका हम क्या करते हैं, वर्तमान समय में उन चीजों को लागू करते हैं। अगर जो हम इसी को व्यापक स्तर में देखें तो व्यापक स्तर का तात्पर्य विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रणाली विभिन्न देशों में स्थापित की गई हैं, तो प्रत्येक देश एक दूसरे देश की शिक्षा व्यवस्था का क्या करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है, जिसके माध्यम से उस देश की शिक्षा प्रणाली की जो भी विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं के बारे में वो क्या करता है, गहन अध्ययन करता है और उन विशेषताओं को अपने देश की शिक्षा प्रणाली में लागू कर सकता है। जो भी अन्य देश की शिक्षा प्रणाली में कमियां होती हैं उन कमियों को छोड़ देता है, जबकि उनकी उनकी विशेषताओं को क्या करता है, अपने अंदर ग्रहण कर लिया जाता है। अतः तुलनात्मक शिक्षा के माध्यम से हम प्रत्येक दो या दो से अधिक शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा की विशेषताएं, या हम कह सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं इनका हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं, या अन्य देश की शिक्षा व्यवस्था का भी हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। और वह किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो तुलनात्मक शिक्षा के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगला है शिक्षण विधियां। यह भी क्या है, एक शाखा के रूप में। अतः जैसे कि आपको पता है कि हमें शिक्षा किसको देना है, तो एक बालक को देना है। किसको देना है, एक बालक को देना है। और इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं वह सभी क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। रुचि क्षमता योग्यता को ध्यान में रखते हुए बालक के ये जो रंग रूप आकार ये चीजें हैं, यानी कि जो भी बाह्य इसके व्यवहार हैं, बाह्य पर्सनालिटी है, इसको भी अगर जो हम ध्यान में रखें तो प्रत्येक मानव प्राणी कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिन्न होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रत्येक मानव प्राणी एक दूसरे से भिन्न होगा तो सबकी रुचि क्षमता योग्यता भी क्या होगी, एक दूसरे से क्या होगी, अलग अलग होगी, भिन्न होगी। अतः सभी लोग जब एक दूसरे से भिन्न है तो सभी लोगों के लिए एक प्रकार की शिक्षण विधियां हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग नहीं कर सकते। शिक्षण विधियों का तात्पर्य समझ में आ रहा आप लोगों को, शिक्षण विधियों का तात्पर्य किससे है, तो सीखने सिखाने में जिन विधियों का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं विधियों को हम शिक्षण विधियों के रूप में जानते हैं। शिक्षण का तात्पर्य किससे है, सीखने सिखाने से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को हम किस रूप में जानते हैं, तो शिक्षण के रूप में जानते हैं। और उन शिक्षण में विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपने सुना होगा आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, गाथा विधि, श्रवण विधि, मनन विधि, विभिन्न प्रकार की विधियां आपने सुना होगा। अगर जो हम देखें साइकोलॉजिकल आधार पे तो डाल्टन पद्धत, ह्यूमेरेटिक्स, मॉन्टेसरी, फ्रोबेल, किंडरगार्टन, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां विकसित की गई हैं, जिन विधियों के माध्यम से बालक को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। अतः प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किन बालकों के लिए किन प्रकार के विधियों का प्रयोग किया जाए यह भी शिक्षा के एक शाखा शिक्षण विधियों के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, जिसके माध्यम से बालक का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है या बालक को शिक्षा दी जाती है। इसी तरह से अभी शिक्षा के शाखा के अंतर्गत बहुत सी शाखाएं हैं। ठीक है, जैसे आप लोग आगे देख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं और भी शाखाएं, जैसे आप देख सकते हो विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा,
ठीक है, बाल विकास, बाल विकास, ठीक है, बाल विकास के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, यह सभी क्या है, शिक्षा की शाखा है, शिक्षा का हम कह सकते हैं कि विषय क्षेत्र है। इन सभी विषय क्षेत्रों का हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसे विशिष्ट बालक का तात्पर्य पर क्या है, तो विशिष्ट का तात्पर्य पर किससे, सामान्य बालकों से अलग, मतलब कुछ विशेष प्रकार के बालक होते हैं जिसके अंतर्गत प्रतिभाशाली भी बालक आते हैं और जिसके अंतर्गत मंद बुद्धि बालक भी आते हैं। उन बालकों के लिए हमें विशेष प्रकार की व्यवस्थाओं का आयोजन करना होगा जिसके माध्यम से विशेष बालकों को हम शिक्षित कर सकते हैं। वह जो शाखा होती है उसे हम विशिष्ट शिक्षा के रूप में जानते हैं। बाल विकास यानी कि बाल विकास के अंतर्गत बालक के मुख्यतः तीन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके तहत आप लोगों को पता होगा, बताया गया होगा, शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इन मुख्यतः तीन अवस्थाओं का इस बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी कि प्रत्येक बालक जो जिस अवस्था के हैं, इन अवस्था की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बालक के लिए क्या करना, शिक्षा से संबंधित वातावरण का निर्माण करना, यह किस शाखा के अंतर्गत देखी जानी जाती है, तो बाल विकास शाखा के अंतर्गत देखी जानी जाती है। अगला है प्रौढ़ शिक्षा, यानी कि जो भी प्रौढ़ अवस्था के बालक होते हैं, प्रौढ़ अवस्था के जो भी व्यक्ति होते हैं, इनके लिए भी अलग से शिक्षा से संबंधित व्यवस्थाएं की गई हैं। जो शिक्षा के किस शाखा के रूप में जानी जाती है, तो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत जानी जाती है। जो भी अध्यापक बंधु हैं, ठीक है, इनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि इस समय पे जो भी अध्यापक हैं और आगे आने वाला जो समय है, तो वर्तमान समय और आने वाले समय में जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई डिफरेंसेस होंगे, कोई ना कोई परिवर्तन होगा। तो वर्तमान समय में जो भी शिक्षक हैं, आने वाले भावी समय में अपने आप को ढालने के लिए या आने वाले समय में परिवर्तन के आधार पर जो भी चीजें लागू होती हैं, उनका अध्ययन करने के लिए अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत इनको क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। यह भी एक शिक्षा का एक शाखा के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्राध्यापक होते हैं, उनको भी इन्हीं के माध्यम से विभिन्न शिक्षा के जो भी स्तर निर्धारित किए गए हैं, जैसे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, हायर, सभी स्तरों पे बालकों को, अध्यापकों को प्रशिक्षण से संबंधित इस विषय या इस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से अभिभावक शिक्षा, अभिभावक शिक्षा का तात्पर्य किससे है, तो जो भी बालक हैं, इन बालकों के जो भी अभिभावक हैं, इनको भी शिक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक अभिभावक जागरूक नहीं होंगे तब तक बच्चे भी यानी कि छात्र भी जागरूक नहीं होंगे। इनके लिए भी अलग से एक शाखा के रूप में, जिसे हम अभिभावक शिक्षा के रूप में जानते हैं, इस शाखा का विकास किया गया है, जिससे हम अभिभावक शिक्षा से संबंधित अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस तरह से आज के वीडियो में हमने शिक्षा की प्रकृति, साथ ही साथ शिक्षा का विषय क्षेत्र को जाना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।